ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलिया से। आपको बता दें, बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गन हाउस व्यापारी आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गन हाउस व्यापारी आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह पप्पू और हनुमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक की रजिस्ट्री जमीन की कैंसिलेशन की होगी कार्रवाई। इस मामले में कुल 8 अभियुक्तों की अभी तक हो चुकी है गिरफ्तारी। मैं नंदलाल गुप्ता, सन ऑफ स्वर्गीय विजय कुमार, स्टेशन मालगोदाम रोड, हमारी गन हाउस है और हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। और पैसा हमने मतलब थोड़ा बहुत लिया था और वो पैसा से अधिक हमने सभी लोग को दे चुका है। मतलब जितने लोग हैं हमें ये सुदफोर लोग परेशान कर दिए हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, इन लोगों पर न्याय करें। हमारा घर तक आज लिखवा लिए लोग हमसे, और मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। हमारा परिवार, हमारे बच्चों का बस आप भला करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर, थाना कोतवाली अंतर्गत मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ जानकारी मिलेगी सर? जनपद बलिया के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 63/2023, जो स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी की आत्महत्या के संबंध में उनकी परिवार के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में जो विभिन्न टीम्स अरेस्टिंग के लिए लगाई गई थी, उनको सफलता हासिल हुई है और मामले के 2 मुख्य अभियुक्त हनुमान सिंह और शैलेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, इन दोनों को ही बलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर जो भी इस मामले से जुड़ी तथ्य हैं उन सब की जानकारी करके इनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनको मिलाकर के कुल अब इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर अग्रीमेंट इन्होंने करवाया था उसकी कैंसिलेशन के संबंध में संबंधित विभाग के साथ पत्राचार कर उसके कैंसिलेशन हेतु अग्रिम प्रक्रिया जो है वो प्रचलित है। और इन सब लोगों की संपत्तियां जो भी हैं, जो इन्होंने अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा कलेक्ट करके गैंगस्टर एक्ट के तहत आने वाले समय में उनकी जब्तीकरण और विभिन्न कुर्की और अन्य कार्रवाइयाँ जो है उसके लिए जो भी विधिक प्रोसेस है उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अब तक पूरे मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें शैलेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, हनुमान सिंह, दीप नारायण सिंह उर्फ पुन्ना, अजय सिंह उर्फ संगा